चलो बहुत ज़्यादा लेकिन भीड़ हो गई आपके वहाँ के, मतलब इंतजाम थोड़ा अच्छा होना चाहिए इनका यहाँ पर। लाइन से जाए तो बहुत अच्छा दर्शन, भीड़ बढ़ बहुत है, भीड़ का सवाल ठाकुर जी का अक्षय तृतीया का जो महोत्सव है वो भी ठाकुर श्री बांके बिहारी का वो विश्व का सबसे अनूठा महोत्सव है, क्योंकि स्वामी हरिदास के लाड़ले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का जो श्रृंगार किया था, आज ही के दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। आज के दर्शन करने से जो पुण्य बद्रीनाथ के दर्शन का मिलता है वही पुण्य आज बिहारी जी के दर्शन का मिलता है। आज से 500 वर्ष पूर्व स्वामी हरिदास जी ने इस परंपरा को शुरू किया था और उन्होंने अपने लाड़ले ठाकुर का ऐसा सुंदर श्रृंगार चंदन का लेपन किया था कि जो आज भी पूरे विश्व में विख्यात। आज और क्या विशेष रहता है मंदिर में ठाकुर जी के? ठाकुर जी के दोनों समय दर्शन का बड़ा विशेष है। सुबह चरणों के दर्शन होते हैं, पाँव में पाजेब पहनते हैं और चंदन का गोला रखा जाता है और सारे शरीर पे चंदन का लेपन होता है, और शाम को सर्वांगीण दर्शन जो कि सारे शरीर के दर्शन ठाकुर जी के होते हैं, जो कि साल में सिर्फ एक ही दिन। राधे राधे। यहाँ हम सब यहाँ मथुरा में बांके बिहारी जी के दर्शन करने आए हुए हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ है और दर्शन उसके बावजूद हम सबको बहुत आराम से बहुत सुंदर दर्शन हुए, बहुत मन प्रसन्न हुआ।